वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर स्टिल फाइन। दिस इज अभिमन्यु सिंह एंड यू आर वाचिंग यूट्यूबर भैया। सो ये लोकेशन थोड़ा चेंज दिख रहा हो आपको, मैं हूँ अपने नेटिव प्लेस झारखंड में। दिस इज सिमडेगा झारखंड और ये रांची से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग पूछते हैं कि रांची से कितना दूर है, धोनी के घर से कितना दूर है, तो ये 170 किलोमीटर दूर है, ये काफ़ी दूर है। और यहाँ से जो बॉर्डर पड़ता है उड़ीसा का, वो सटा हुआ बॉर्डर है, वो लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता है। मतलब ये जो प्लेस है सिमडेगा, वो उड़ीसा से सटा हुआ है बट आता है झारखंड में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं उसके बारे में। छोटी बहन से पूछेंगे, छोटी बहन मुझे लेके जा रही है, बहुत ही अच्छा प्लेस है। छोटी, उस जगह का क्या नाम है? केरबेड़ा डैम। केरबेड़ा डैम, तो अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आपको लेके केरबेड़ा डैम में। रास्ते में बहुत सारे अच्छे नज़ारे मिलेंगे और ये हमारे घर का बाहर का नज़ारा है। ये क्या क्या खाने के लिए ले जा रही है? काजू किशमिश दे रही है भाई। काजू किशमिश कौन खाता है दो घंटे की जर्नी में? अरे इसमें फ्रेशनेस लगेगा भाई, काजू किशमिश खाने के बाद लौंग डालना है। ओके, ये बिस्किट भी? हाँ। पानी का बॉटल ले लो खाली, और ये मेरा बैग, कैमरा बैग, कैमरा बैग, कैमरा बैग। छोटी, ओके गुस्सा मत करो, मुझे वो छोटा वाला हेलमेट दे दो। छोटा वाला हेलमेट इसलिए क्योंकि वो थोड़ा फिट होता है, ये हेलमेट जो रॉयल एनफील्ड का वो थोड़ा बड़ा होता है। हम जाएंगे आज रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नाइस जर्नी। थैंक यू, बट मिसिंग माय ग्लव्स। ग्लव्स नहीं है यहाँ पे। हेलो छट्टी। अरे वाह, स्कूल चले दो को बोतल ले ले रहे हैं। एगो डाल चुकी है, एगो और है भैया, दो दो बोतल। वो ठीक है ना, काहे को पकड़ के चले, रखो इसको। देन हाउ यू आर फीलिंग? माय फीलिंग इज गुड। चलो अभी तुमको अच्छे एक्सचेंज कर देंगे, जल्दी बैठ जा। देखो भाई, एक्सचेंज ऑफर अच्छा मिलेगा। नो एक्सचेंज, नो कंपनी। चलो बाय बाय। जो आप नदी देख रहे हैं ना, जो उधर से बहता हुआ आ रहा है और इधर को जा रहा है, इसको बेसिकली शंख नदी बोलते हैं। जो लास्ट 2 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें छठ पूजा कवर किया था, वो वही शंख नदी है जहाँ पे हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में अर्घ देने के लिए आए थे। तो उससे ही थोड़ा दूर जा करके वहाँ पे एक वो जगह है जहाँ पे पूजा वजा होता है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के इधर रामरेखा वाले रास्ते में जा रहे हैं, तो ये प्लेस बहुत अच्छा था तो कहीं ना कहीं हम रुके। कैसा लग रहा है छुट्टी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिमालयन को बहुत मिस कर रहे हैं, अगर हिमालयन होती तो शायद चढ़ जाती, बट हिमालयन है नहीं तो चढ़ नहीं पाएगी, तो इसको यहीं पे लगा देते हैं और फिर पैदल जाना पड़ेगा। शायद डैम उस साइड है जो बहुत खूबसूरत है, तो उस खूबसूरत डैम का दीदार करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और हमको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी सी थकावट भी ज़रूर होगी। तो गाड़ी साइड में कर देते हैं। छोटी, तुम्हारा सेकंड टाइम है? मेरा ये थर्ड टाइम है। अरे बाप रे बाप, इसके पहले 2 बार आ चुकी हो? इसके पहले 2 बार आ चुके, एक फर्स्ट टाइम स्कूल फ्रेंड के साथ और सेकंड टाइम पापा के साथ और थर्ड टाइम तुम्हारे साथ। उसके बाद भी रास्ता इसको अच्छे से पता नहीं था, हम लोग ने 4-5 लोगों से पूछा, शी वॉज टोटली कन्फ्यूज कि जाना किधर है।
वाह, इसके आगे का भी व्यू है पता है, मतलब ये बैक साइड का है, बहुत ही शानदार। Boys and girls, this is Abhimanyu Singh and you're watching YouTube भैया। ये तो ऐसा है कि हम आ गए हैं कैरबेरा डैम में, काफ़ी दूर चलने के बाद लगभग हम 30 से 40 किलोमीटर सिमडेगा से दूर हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट मीन्स अल्टीमेट, आप देख सकते हो। कुछ शॉट्स लिए हमने, वो शॉट्स भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ का व्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं कोलार डैम है ना उसका याद दिला देता है, उसी तरह का है। कोलार डैम थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, ये थोड़ा कम डेवलप हो सकता है बोल सकते हो, बट ये भी बहुत बढ़िया है। कोलार डैम के पास इस तरह का व्यू नहीं मिलेगा आपको जो पहाड़ों का व्यू है, बट यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों का व्यू, क्योंकि सिमडेगा जो एक जगह है झारखंड में वो पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इवन मेरे घर से भी सामने काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, सनसेट सनराइज़ भी दिखता है। तो कभी मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिखाने का। बाकी सब तो बढ़िया है, देख लो एक बार और दिखा देते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से विदा ले रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, छोटी बोल रही, प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से जा रहे हैं। सिंपल हिंदी ज़्यादा शुद्ध होता है, इसलिए जो सिंपल हिंदी होता है वही बोलना चाहिए। कैमरा आते ही लोग शुद्ध हिंदी बोलने लगते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ का जो रास्ता है ना वो बहुत डेंजरस है, दिखाता हूँ। तो इन वादियों का मज़ा हमने लिया, अब यहाँ से वापस जाने का समय हो गया है। थोड़ी गर्मी हो रही है और फेस भी थोड़ा टैन हो रहा है, तो यहाँ से निकल जाने में भलाई है। हमारी बुलेट खड़ी है सामने और ये हमारी है हेलमेट, तो अब चले। और पीछे आ रही है छोटी छोटी, गिरना मत। तो छोटी, यू शुड से थैंक्स टू मी, तुमको थैंक्स बोलना चाहिए हमको। नहीं, हमको बोलना चाहिए तुमको थैंक्स। क्यों? क्योंकि तुम आए हो तभी हम आए हैं। अच्छा, हाँ मैं आया हूँ तभी तुम आई हो, तो यू शुड से थैंक्स टू मी ना, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। अब ये मत बोलना कि हम तुमको लेके आए इसलिए हम थैंक्स बोले तुम। नहीं नहीं, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम वेलकम। बड़ा दिल है मेरा, बड़ा दिल, बहुत बड़ा। वाह भैया, तुम दिख रहे हो। दिल खुश हो गया। इधर पानी और यहाँ पे जो ये गोल सा बनाया गया है ना और वहाँ से पानी गिर रहा है, उसका लुक इतना अल्टीमेट आ रहा है, इतना अल्टीमेट आ रहा है मत पूछो। और इस साइड आप देखो, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ जगह है, बहुत ही अल्टीमेट जगह है। सो दिस इज़ कॉल्ड झारखंड, झार में बसा हुआ प्रदेश, दैट इज़ कॉल्ड झारखंड, इसलिए इसका नाम भी झारखंड पड़ा। बहुत ही अल्टीमेट प्लेस, अल्टीमेट। तो फिलहाल यहाँ से चलने का समय हो गया है। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूले, क्योंकि तेल भी जलता है। तेल कितना महंगा हो गया यार, देखो यार मैं आता हूँ दिखाने के लिए। 103 रुपये, 103 रुपये यहाँ पे। बाप रे बाप, सस्ता है यहाँ पे। हमारे भोपाल में 110 रुपये, अब तो मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में 111 रुपये हो गया। चलिए ओके, टाटा बाय बाय। ओके बाय, सी यू।